देयर आर फाइव फिजिकल फैक्टर्स कह लो कि जिसको हम कह देते हैं कि बाहर के जो गुण हैं जिसकी हेल्प से हम अपनी विद्या को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि वो ग्रो हो। विचार, ये दो लाइनें हैं, ये ली गई हैं सार कुतावली अध्याय तीसरा, ये पंडित हरदयाल जी के द्वारा लिखा गया है। पंडित हरदयाल जी वही है जिन्होंने गुरु नानक देव जी को नाम दिया था, आपने गुरु नानक सीरीज़ में सुना होगा काफ़ी उनके बारे में। सो वो काफ़ी कह लो कि एक तरीके के महान ज्ञानी जाने गए थे उस समय के, ठीक है जी, और वही थे जिन्होंने गुरु नानक देव जी की जनेऊ सेरेमनी के टाइम भी वही पंडित जी थे जो महाराज को पहनाने लगे थे जनेऊ, और महाराज ने जब रोक के उनको फिर उपदेश दिया था, और फिर जो पंडित हरदयाल जी थे वो फिर नतमस्तक हुए थे महाराज के सामने, ठीक है। तो वो काफ़ी महान थे उस समय के पंडित, तो उनके द्वारा ये लिखा गया था। वो कहते हैं कि गुर पुस्तक भूमि सुभाग प्रीतम अवर सहाय करह वृद्ध विद्या पठी बहर पांच गुण गाए, ठीक है। यहाँ पे पांच गुण की बात हो रही है, क्विकली हम देख लेते हैं। गुर पुस्तक भूमि सुभाग प्रीतम अवर सहाय, ठीक है, ये पांच चीज़ें हैं। पहली चीज़ आ गई गुर, ठीक है, ये तो होगा कि आपके पास एक उस्ताद हो, एक टीचर हो जिसके थ्रू आप कोई भी चीज़, कोई भी आप विद्या जो सीखना चाहते हो वो आप सीख सको। और नॉर्मली ये क्या होता है कि संपर्दा में ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, एंड संपर्दा इज़ नथिंग बट जो नॉलेज एक जगह से इकट्ठी की जाती है, एक स्टूडेंट जब सीखता है फिर उस नॉलेज को जब हम फर्दर किसी अगले स्टूडेंट में पास ऑन कर देते हैं, उस नॉलेज को जब पास ऑन करने की जो प्रोसेस है उसको हम संपर्दा कह देते हैं। सो पहली चीज़ गुर, कि आपके पास एक गुर हो। दूसरा है पुस्तक, आपके पास अपनी खुद की पोथी होनी चाहिए। पहले ज़माने में तो चलो पोथी हो, सिर्फ पोथी ही सोर्स था, अभी हमारे पास एटलीस्ट फ़ोन है, बट अगेन वो दूसरा टॉपिक है कि फ़ोन इज़ ओके और नॉट, बट आपके पास एक आपका स्टडी मटेरियल कह लो कि होना चाहिए हमेशा के लिए, सो दैट कि आप जब भी आपको कोई चीज़ रेफ़र करनी हो तो आप इमीडिएटली रेफ़र कर सको। और इट्स अ गुड हैबिट ऑल्सो कि आपके पास एक नोटबुक भी हो जिसमें कि आप अपने सारे पॉइंट्स वगैरह नोट कर सको, तो इससे क्या होगा कि आपके जो मेमोराइज करने वाली चीज़ें उच्चारण के रिलेटेड वो सारी आप ईजिली कर सकते हो, एंड सिमिलरली उसको फिर पास ऑन भी कर सकते हो, ठीक। सो गुर पुस्तक, नेक्स्ट हो गया भूमि सुभाग, ये होता है कि रीडिंग विद्या ऑन अ सरीन लैंड, मतलब कि साफ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड और शांत वातावरण हो आपके आसपास का ताकि आप फोकस बेटर कर सको, ठीक है। शांत जितना इंपॉर्टेंट शांत वातावरण होता है उतना ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट भी होता है, ठीक है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि चीज़ें बिखरी हुई हैं, ठीक है, उससे भी दिमाग भटकता है। सो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, इफ़ प्रेफर्ड कि आप एक सेपरेट अपनी प्लेस ही बना लो जहाँ पे आप अभ्यास कर सको किसी भी चीज़ का, आप जो विद्या ले रहे हो, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ फोकस कर रहे हैं अभी फ़िलहाल संथिया की विद्या के बारे में, बट ये चीज़ आप किसी भी तरीके की विद्या पे अप्लाई कर सकते हो। सो क्लीन ऑर्गेनाइज्ड प्लेस हो और एनवायरनमेंट आपका साफ़ सुथरा हो, मतलब क्वाइट हो, और अमृत वेला एज वी नो कि वो बहुत क्वाइट होता है ना। नेक्स्ट प्रीतम, प्रीतम होता है कि आप संगत रखो लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स के साथ जो कि सेम चीज़ सीख रहे हैं, सेम जर्नी के थ्रू जा रहे हैं, ताकि इन केस अगर आपको कुछ रेफर भी करना हो, या you know, ऐसे होता है कि जब हम देखते हैं कि सारे एक साथ सीख रहे हैं तो हमारे अंदर भी वो उत्साह पैदा होता है ना, तो ये भी एक चीज़ है कि एक जैसे हमने ग्रुप बना दिया अभी व्हाट्सएप पे है ना, उसमें आप यू आर गेटिंग टू नो कि हाँ काफ़ी सारी जर्नी के थ्रू जा रहे हैं, तो इंटरेस्ट और ज़्यादा बनता है, ठीक है। सो प्रीतम, लास्ट अवर सहाय, अवर सहाय का मतलब ये होगा कि किसी दूसरे की सहायता लेनी, इसमें ये टीचर वाला नहीं है अवर सहाय, इसमें ये नॉर्मली ये हो गया कि जैसे आपके फैमिली या फ्रेंड्स मेंबर हो गए जो आपको आपकी स्टडी में सपोर्ट करें, क्योंकि अगर उनकी सपोर्ट नहीं होगी, सपोर्ट इन द सेंस कि दे शुड कह लो कि लेट यू डू इट, है ना, जो आप करना चाहते हो, आपको जो आपको अभ्यास करना है उसके लिए आप टाइम निकाल सको उसके लिए, और संथिया के ऊपर फोकस कर सको। पुरातन टाइम में क्या होता था कि नॉर्मली अवर सहाय नॉर्मली ये होता था कि आपको कोई भी पैसे से रिलेटेड या सपोर्ट देनी है उसको अवर सहाय कहते थे, जिससे कि फिर जो विद्यार्थी होता था वो ग्रंथ खरीदता था या जो भी कह लो कि खाने पीने की जो भी चीज़ें होती थी, है ना, टू सर्वाइव,
ना, अपनी विद्या को आगे इम्प्रूव करने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उस चीज़ में जो भी मनी इन्वॉल्व होती है, उस चीज़ यहाँ पर रिलेटेड होती थी अवर सहाय में। बट आजकल के टाइम में इट्स मोर लाइक कि हमारे लिए चीज़ें एक्सेसिबल है ईजिली, ठीक है। सो वो पॉइंट में भी ज़्यादा इधर अप्लाई ना हो। सो एट दिस पॉइंट हमारे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि जो अवर सहाय मतलब कि आसपास के जो एनवायरनमेंट है वो हमारा सपोर्ट भी करे उस चीज़ के लिए, ठीक है जी। सो पांच चीज़ें यही हो गई, गुर, पुस्तक, उमे सुपाग, प्रीतम, अवर सहाय। सो आप खुद ही अपने आप को एनालाइज करो कि आपके पास ये पांच चीज़ें हैं या नहीं। ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। अगर आपके पास नहीं है सो देखो आपकी कैसे इसको आप इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है भाई।